गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फोर्स एंड एनर्जी सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज फील्ड फोर्सेस। फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स इफ़ यू ब्रिंग आयरन फिलिंग नियर द मैगनेट दे विल बी अट्रैक्टेड बाई मैगनेट अगर हम किसी मैगनेट को एक आयरन के पास लाते हैं तो वो मैगनेट से अट्रैक्ट हो जाता है द फोर्स

फोर्स इज स्ट्रॉग स्ट्रोंगेस्ट एट इट्स पोल द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल जो अर्थ है वो सबसे बड़ा मैग्नेट है और अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है कौन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी टाइम वी जम वी एक्सपीरियंस ग्रेविटी इट पुल्स अस बैक डाउन टू द ग्राउंड विदाउट ग्रेविटी वी वुट फ्लोट ऑफ इन टू द एटमोसफियर एलोंग विथ ऑल ऑफ़ द अदर मैटर ऑन अर्थ एवरी टाइम जब हम जम्प करते हैं तो हमें ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटी जो है वो हमें हमेशा नीचे की तरफ खींचती है बिना ग्रेविटी के हम एटमोसफियर में फ्लोट करने मीन्स तैरने लगेंगे द अर्थ ट्राइज टू पुल एवरी थिंग डाउन टूवर्ड्स इट्स सेंटर दिस पुल इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स जो अर्थ है वो सभी चीज़ों को अपने सेंटर की ओर खींच की तरफ खींचती है इस पुल को है इस पुल को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं वैन यू लिफ्ट थिंग्स अप यू हैव टू पुल अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो हम ग्रेविटी के अपोजिट काम करते हैं इफ़ यू ड्रॉप अपन ग्रेविटी पुल्स इट टू अर्थ इफ़ यू रेस्ट इट मिड पॉइंट ऑन योर फिंगर ग्रेविटी विल पुल डाउन इक्वली ऑन बोथ साइड ऑफ द पेन एंड इट विल बैलेंस इन द एयर जैसे जब हम किसी पेन को ऊपर से गिराते हैं तो ग्रेविटी उसे अर्थ की तरफ खींच लेती है और जब हम पेंसिल को उसके मिड पॉइंट को अपने फिंगर पे रखते हैं तो जो ग्रेविटी है वो इसके दोनों पॉइंट्स पे इक्वली लगती है और इस पेन को एयर में बैलेंस कर देती है और इसे गिरने नहीं देती है स्टूडेंट्स क्या आपको पता है सबसे पहले न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया था जब उन्होंने एप्पल को पेड़ से नीचे गिरता हुआ देखा था मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ से बहुत कमज़ोर होती है जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो मून पर नहीं चल पाते हैं नेक्स्ट फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स टेक एन एनालॉग क्लॉक विच इज़ मैकेनिकली ऑपरेटेड एंड विंड इट टू द फुल द क्लॉक स्टार्ट्स वर्किंग द फोर्स गिवन आउट बाई द अनवाइंडेड ऑफ द स्प्रिंग मेक द क्लॉक वर्क दिस इन दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल फोर्स मीन्स एक चाबी वाली घड़ी लेते हैं और उसमें उसकी चाबी को पूरी हम भर देते हैं तो जो क्लॉक है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और उसमें एक फोर्स लगता है जैसे कि जैसे जैसे और उसकी स्प्रिंग जो होती है वो वापस से ढीली होने लग जाती है तब तक वो क्लॉक वर्क करता है और ये एक मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल है इसका एक और एग्जाम्पल है जो चाबी भरने वाले खिलौने आते हैं वो भी इसी फोर्स पर काम करते हैं नेक्स्ट वर्क वॉट इज वर्क वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इफ इट मूव्स वी सी दैट सम वर्क हैज़ बिन डन ऑन द अदर हैंड इफ अ इफ़ अ बॉय ट्राइड हार्ड टू लिफ्ट अवज स्टोन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इफ ही कैन नॉट डू सो वी से ही हैज़ नाट डन एनी वर्क मीन्स वर्क क्या है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कोई काम किया उसी उसी प्रकार जैसे कोई एक बॉय है वो एक बहुत बड़े से पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने की कोशिश कर रहा है पर वो ऐसा नहीं कर पाता तो हम कहेंगे कि उसने कोई भी वर्क नहीं किया वी सी ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस सिंस ही हैज़ नॉट मूव द स्टोन ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क एट ऑल जैसे कि अब उस बॉय ने उस बड़े पत्थर को हिलाने में तो बहुत मेहनत की पर साइंस की भाषा में अगर हम कहेंगे तो उसने उस पत्थर को नहीं हिला पाया इस वजह से उसने कोई भी काम नहीं किया वर्क इज़ डन ओनली वैन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय यूजिंग अ फोर्स मीन्स वर्क तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को हम मूव कराते हैं उस पर फोर्स लगा के उस पर बल लगा सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क आर अ पोर्टर कैरिंग अ लोड अ बॉय रनिंग अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड एन engine pulling the rail railway uh, carriage students in this part of video we have learned about type of forces contact forces field forces and work thank you